पूरे देश का माहौल आप देख रहे हैं, विपक्ष के लोग भ्रष्टाचारी और परिवारवादी किसी तरह से अस्तित्व बचा रहे हैं। बेल में है और किसकी भविष्य क्या होगी ये बस चुनाव के बाद पता चलेगा। मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने राजद पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को राजनीतिक अनुभव की कमी है, पूरे देश में एनडीए के पक्ष में माहौल है। उन्होंने कहा कि राजद नेता इस बात का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि उन्होंने बिहार में रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि जब वो पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे तो विभाग में कितना रोजगार का अवसर पैदा किया गया, विभाग में कितने लोगों को रोजगार दिया गया। तेजस्वी यादव को पद तो बड़ा मिल गया लेकिन अनुभव का घोर अभाव है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कश्मीर में धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है। आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ एनडीए सरकार ने मुहिम छेड़ दी जिसका परिणाम है कि आतंकवाद और उग्रवाद को देश से पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में इसके आगे क्या कुछ कह रहे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा। पूरे देश का माहौल आप देख रहे हैं, विपक्ष के लोग भ्रष्टाचारी और परिवारवादी किसी तरह से अस्तित्व बचा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी के गले में मछली की कांटा फंस गई है, उसे वो निकालेंगे कैसे? भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ये खेला करने चले थे, पड़ गए झमेला में, इस बार पड़ेंगे भी बड़ा झमेला में। जनता जान रही है, समझ रही है, देख रही है कि कौन भ्रष्टाचार युक्त भारत बनाना चाहता है और कौन भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहता है, कौन परिवारवादी जमींदारी मानसिकता का लोग है जो चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाता है, और कौन आदमी जमीन पर घूम करके जनता की सेवा करता है, कौन मेवा खाता है, कौन सेवा करता है, जनता जवाब देगी इसका। तेजस्वी यादव ने अमित शाह, देखिए छोटी मुंह बड़ी बात है इनकी, राजनीति करनी है, पद बड़ा मिल गया है लेकिन अनुभव अभी कम है। अरे भारत के गृह मंत्री ने एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र का वातावरण बना दिया, आतंकवादियों के घर में जाकर के कश्मीर में 370 धारा हटा दिया, आतंकवादियों के घर में जाकर के घुस कर मारा, आतंकवाद को समाप्त कर दिया, उग्रवाद को भी समाप्त कर दिया। ये व्यक्ति अपराधियों को टिकट देके अपराधियों को सम्मानित करके जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील कर दिया। इस व्यक्ति को बोलते हुए तुलनात्मक अध्ययन भी करें कि कौन जंगल राज को गुंडा राज में बदला और कौन व्यक्ति आतंकवाद और उग्रवाद को समाप्त किया। बेल में है और किसकी भविष्य क्या होगी ये बस चुनाव के बाद पता चलेगा। जो तेजस्वी यादव है उनके विभागों की जांच की बात कही है, क्या गड़बड़ी है? ना हमने कहा है कि ये नौकरी की बात, ये बता दें कि जिस विभाग में पथ विभाग में थे कितना नौकरी दिए थे, ये ढोल जो बजा रहे हैं अपने विभाग में बता दें। और जांच की बात रह गई तो जो कारनामा किए हैं जनता से नहीं छुपता है, जो जैसा करता है जनता सब जानती है, वो चुनाव में हिसाब। एक चीज देखा गया कि जो टेंडर दिए गए हैं उसमें जो ब्लैक लिस्टेड जो है उस भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करता है, ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति से अपनी राजनीति बचाना चाहते हैं। भाजपा तो संतुष्टीकरण की राजनीति करती है, माँ भारती के धरती पर जो भी जन्म लिया है किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का सबका विकास सबका साथ सबका विकास करता है। अब वो समय पर अभी वो समय पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं सब जांच कराऊंगा, और अभी पीएचडी भी पीएचईडी विभाग में आपने देखा कि 1100 टेंडर एक झटका में रद्द करने का हमने आदेश दिया है, तो जो गलत होगा वो बक्से नहीं जाएंगे। जय सिन्हा जी।